हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। किचन का काम अभी निपटा है। एक्चुअली आज है घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा। एंड थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया जब मैं बोल रही थी कि पूजा नहीं करवा पाए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीपिका आप घर पे खुद कर लो। तो इवन दो सेम डे हम लोग सोच रहे थे कि चलो घर पे ही कर लेते हैं, और फिर आप लोगों ने भी सजेस्ट किया था। आई वॉज लाइक यस, अब तो करेंगे ही। तो आज हम कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा, और मेरे प्राणनाथ पतिदेव भगवान जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, किचन पूरी टाइडी कर दी। तो बिना लहसुन प्याज का खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो शाही पनीर बनाया है, काले छोले बनाए हैं, पूरी का आटा साहब ने बना के रख दिया है, बूंदी भिगो दी है मैंने रायते के लिए, और यहाँ पे जो है ये इधर रख दिया आपने ये, और उधर मैंने जो है वो सूजी का हलवा बनाया है, और क्या है चावल बना के रख दिए हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी होगी, पूरियाँ बस कथा के बाद हम लोग तभी उतार लेंगे। और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, एक दो ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते, यू ऑल नो के क्या सिचुएशन है। और अब जो है वो थकान सी होने लगी, चाय कथा के बाद ही दूसरी कड़छी मत लगा दियो। ठीक है, चलिए ये हो गया। और पूजा का जो सेटअप है वो हमने किया है इस वाले रूम में, क्योंकि इधर आते हैं ना तो फिर एकदम से एंट्रेंस होगी और बारिश बाय चांस होगी तो शूज भी हो जाते हैं। तो पूजा का सारा सेटअप हमने यहाँ किया है, ये सारा अद्वी ने अरेंज कराया है। तो हम सब लोग यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे मैं अभी चादर बिछा दूंगी ताकि आराम से सब लोग बैठ सके। तो फिलहाल ये है अपडेट, मैं जा रही हूँ चेंज करने, 5 बजे का बोला हुआ है, 4:45 बज गए हैं। तो अपनी तरफ से लेके चल रही हूँ कि 10-5 मिनट लोग लेट आएंगे। आई एम गोइंग, अब मैं रेडी हो जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी, तैयारी सब, हाँ इनू के भी, हम तीनों फटाफट जो है ना, 15 मिनट है, 15 मिनट में हम रेडी हो जाते हैं, और फिर आप लोग हमारे साथ एंजॉय करो, भगवान जी की कथा सुनो, उसके बाद खाना पीना और जो भी मौज मस्ती होगी विल शेयर। तो साहब यहाँ पे रेडी, रेडी पूजा का सब कुछ यहाँ पे रेडी, अद्वी रेडी, और अद्वी को गाउन पहनना था, उसको लहंगा नहीं पहनना था। रियली, एंड हियर इज बेन, हाई डिमांड इंडियन आउटफिट, मैचिंग मैचिंग विद माई डोर, एंड बिकॉज देयर इज सन सो नो वन कैन, या नाउ कैन सी योर फेस, यू क्लोज द डोर, and here is Akanksha, beautiful Akanksha. look compliment, bahut sundar, thank you, yes, chalo bhai light side jalao, aapke paas mera dil, oh my god, people in hindi, उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया, दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाई कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चले गए।
कलावती पितृग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी व्यस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रथसारपुर नगर में गया। रथसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगत्पालक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़िक सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। मुझे लगा क्या बनाया भाई बना है छोले रायता शाही पनीर पर मैं भगवान जी का भोग लगाने जा रहा हूँ। सैलरी लगती हाँ। भगवान जी के लिए सैलरी खाएंगे हाँ।
तो यहाँ पे जो है वो पूरियां बन रही है। मेरी छुट्टी है आज, हमेशा ये था जिगना और आकांक्षा जब आए, याद है लास्ट ईयर रद्वी के बर्थडे में भटूरे मैंने गरम गरम खाए थे। तो जिगना कंप्लेन करती है ना कि मैं पता नहीं कब खाना खाऊंगी गरम गरम, परोसेगा मुझे कभी ना कभी तो दिन आएगा। बिल्कुल, तो वो साल में एक दो बार मैं वो दिन जबरदस्ती बुला ही लेती हूँ। आज तो खाना नहीं था फिर भी जबरदस्ती खिला रही थी, मैं इसीलिए बनाया था। अच्छा पूजा में और खाना ना खाओ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लोग बना रहे हैं और इधर जो है लड़कियां हमारी खाना खाना शुरू। मीशा यू फिनिश्ड, डू वांट वन मोर रोल? वन मोर, चलो फिनिश इट देन आई विल गिव यू वन मोर। एंड बेन इज ऑन डाइट, वी कम बैक फॉरएवर। कांदा मीन्स अनियन इन मराठी इन डिफरेंट लाइक इंडियन लैंग्वेज, सो शी थॉट यू सेड नो कांदा। नो प्लेंटी ऑफ कांदा, बहुत कांदा। हां जी चौधरी साहब मजे आ रहे हैं भगवान जी के साथ बैठ के यही खाना? बात कर लेंगे भगवान के साथ। ओके, एनी स्पेशल कमेंट? बहुत मस्त बनाया सब, मैं बच्चे खा रहे थे ना, मैं वो बच्चे खा लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या किया? आई फिनिश्ड। यू फिनिश्ड? ओके आई विल गिव यू वन मोर रोल। हाउ अबाउट डैडी? डैडी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग मीशा, गो आस्क डैडी। उसे बड़ी फिक्र हो रही है डैडी नहीं खा रहे। ये जो बोले ना चीज की साइन थी ना, ही डिड ईट देन? नो ही डिडंट। हाँ जी, I can't even watch. आटा क्या गुंदा था? अरे हाँ, आटे का चलेगा, आटे का चलेगा। भाई सबकी प्लेट की कौन कितना खा रहा है? ओके ये तो भी है। जिगना वेज डिनर? मेरे लिए मिर्ची अच्छी। वो तो पूछ रहा हूँ ना दूसरा, दो तरह की मिर्ची, दो तरह की मिर्ची उधर भी, वो एक सैलड पे लगी हुई है। सैलड सैलड इज ग्रेट। ये देखो भाई कितना है, ये जब अभी जब खत्म होगा मैं दोबारा देखूंगा कितना खत्म होगा, इससे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे सारी। खा लेने दो, अपने जगह लगाओ मैं। तो अभी सब लोग गए हैं, 9 बज गए हैं, बात करते रहे बीच में, कुछ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया, शोर शराबा इतना हो रहा था और पीछे रसोई की हालत आपको दिख रही होगी। सामान वामान तो खाली कर दिया है सारा, कुछ पैक कर दिया, बट बर्तन जो है वो अभी बड़े सारे पड़े हैं। साहब ने तो चेंज भी कर लिया, तो अभी क्या है मैं भी चेंज करके किचन की तरफ जाती हूँ। मैं करती हूँ किचन क्लीनिंग और ये जो वहाँ पे बिछा रखा है सामान वामान वो सब कुछ करके हील डू वैक्यूम। और यस ऐसा ही रहा और जितना हो पाया उतना रिकॉर्ड किया, बट करती हूँ अभी चेंज कर लूँ, फिर आराम से बैठ के कुछ एक बातें जो है आपके साथ शेयर करूंगी। साहब ने तो बात करी नहीं, तो ये भी तो बात करेंगे। उधर देख लो हमारी हीरोइन, उसका अलग ही चल रहा है। बेटा आराम से जाना जीने पे, ठीक है? तो हाँ पहले काम निपटा ले, तसल्ली से बैठ के फिर बात करते हैं, बताते हैं आपको कैसा रहा सब कुछ। लो भाई सारा काम खत्म, चकाचक देखो सब डन, सब खत्म हो गया, पूरी किचन क्लीन, जॉब डन फॉर टुडे। हाँ भाई क्या कर रही है? ऐसे बता रहे जैसे सारी खुद ही साफ कर रही हूँ। हैं कहाँ गई ये रही? यही हूँ, कहाँ जाऊँगी? ऐसे बता रहे जैसे सारी किचन साफ करके खुद ही बैठे हुए हैं। और दे जो बनाया महसूस है तो साफ करी। अच्छा देख मेरे हाल देख के देख लो भाई, कौन रही? बहुत काम करके आया मैं। क्यों जिनके बाल बिखरे रहे हैं इसका मतलब वही काम करें? मेरे तो बाल बड़े हो रहे हैं। हाँ इन्हें कटवा लो। चलो तो 10 o'clock जॉब डन। एक घंटा लगा सब कुछ होने में, किचन सारी क्लीन हो गई, वैक्यूम इन्होंने किया है और भगवान जी की चौकी जो है वो जो काम मैंने करा ना वो नहीं दिखाया इसमें।
मैं तब साड़ी चेंज करने जा रही थी, तब आपने कर लिया सब कुछ। और हाँ, भगवान जी की चौकी अभी नहीं उठा रहे हैं, कल सुबह उठाएंगे। प्रसाद जो है उनका भोग वो ढक के रख देंगे। ग्रोसरी का सामान भी आया पड़ा है, दिखाओ उधर। कल सुबह उठ के भी बहुत सारा काम है। फेवरेट कौन है? हमारा क्वारंटाइन सेंटर है। पता नहीं कहीं नजर भी आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वही अपनी नॉर्मल जगह। आज इनके हाथ में कैमरा है ना, तो आज देख लिया, पता नहीं बस क्या क्या दिखा देंगे। जल्दी कर, भाई जल्दी कर, इतनी सी देर मुझे देखो, मैं 6-6 मिनट बात कर दूं। बस आप हिलाते रहिए कैमरा। तो मैं फिलहाल क्या है, ग्लूकोज वाला पानी पी रही हूँ, डिहाइड्रेशन हो रहा था। ऑयल वॉयल की ना स्मेल चढ़ जाती है, बिंदु मैंने पूरी पूरी कुछ नहीं बनाई आज। सर्दी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, बाहर इतनी ठंड हो रही है, ठंड शुरू होगी सच में। नहीं वो मैं 2:30 बजे से ना सिर्फ खड़ी हुई हूँ, खाना खाते हुए बैठी थी, उसके बाद भी बैठे हैं, लेकिन वो साड़ी में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, फिर खाना खा के बैठे रहे ना, तो वो हो रहा है। पर मैं 2:30 बजे से, और उससे पहले भी ये है कि बस खाना खा के आधे घंटे के लिए बैठे थे, पर 2:30 बजे से मैं लगी हुई। काम बहुत हो रहा है। तो जी सुबह 9 ऑनवर्ड तब से लगी रहे हैं, बस मैं तो बीच में घंटा सोया हूँ, ज्यादा नहीं सोए। खराटे पहले उसे सोना नहीं बोलते, पर जो भी है वही है भाई। मतलब सोने के बाद भी टेंशन लो तो फिर सोने का फायदा क्या है? सोने के बाद टेंशन ना लो, जो हो रहा होता रहो। यार कभी ऐसी नींद आए तो कितना कितना मजा है। चलो फिलहाल तो यही चल रहा है, अच्छे से होगी कथा। आकांक्षा आ गई थी, जिग्ना आ गई थी, और बढ़िया रहा, संतुष्टि मिली। एटलीस्ट जो हमारा एवरी ईयर रहता है वो हमने हमने कर लिया, जैसे भी हुआ हमने कर लिया। लाइक जिस तरह से ये अब हुआ है, इसी मैं पूर्णिमा के जो फास्ट रखती थी, मैंने आई थिंक 7-8 साल पूर्णिमा के फास्ट किए हैं, और पिछले साल से मैंने जो है वो ब्रेक लिया है कि अभी मैं 1-2 साल रुक के और फिर दोबारा से शुरू करूंगी। तो एग्जैक्टली इसी तरह से करती थी मैं, जब मेरा पूर्णिमा का फास्ट होता था हर महीने वही कथा पढ़ती थी मैं, इसी तरह से प्रसाद बनाती थी। बस ये कि इस बार ये लोग भी आ गए थे सब, अच्छा लगा। कैमरा मेरे हाथ में है, थोड़ा रहम कर। आज तो मैं फ्री मूड में हूँ, थोड़ा रहम कर, बस लिमिट पे जा रहा है, छूटने वाला नहीं भाई, छोड़ियो ना। छोड़ने की नहीं है बिल्कुल। चलो 3-4 मिनट होगी, बाय बाय बोलो, इन्हें भी सोन दो बेचारे। चलो सो जाओ भाई, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। लोग तो सुबह को देखे, दोपहर को देखा करें वीडियो मेरी, दोपहर को। कोई अगर तो सोते टाइम देख रहा होगा ना, तो उसे खुशी होगी बेचारे को। गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड। चलो क्या जो भी है, जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है। जो सुबह देख रहा है उसे गुड मॉर्निंग, जो दोपहर को देख रहा है उसे गुड आफ्टरनून, और जो सोने की प्लान कर रहा है उसे गुड नाइट। ठीक है, डन, बाय बाय बोल, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे सेकेंड चैनल विचार मार को भी एक बार चेकआउट कर लेना, और इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। मेरा भाई इतना लंबा है, मुझे ये सारी चीज बोलनी पड़े लास्ट में। अब तो हो गया। हाँ हो गया, फाइनल, बाय बाय बाय।